नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास है और अगर आपने ये जानकारी अच्छे से सुनी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ किसान साथियों, आपकी खेती बहुत ही आसान हो जाएगी और जैसी खेती एक किसान चाहता है वो खेती आपकी होनी शुरू हो जाएगी। किसान साथियों, हम सब किसान सारे खादों का इस्तेमाल करते हैं। सबको पता है कि बुआई में हमें DAP डालनी, हमें एक बार NPK का भी इस्तेमाल करना चाहिए, हमें स्प्रे में कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी जानकारी के बावजूद हम जैसे खेत चाहते हैं वैसे खेत हमारे नहीं हो पाते। इसके पीछे क्या कारण है? कई मेरे किसान भाई मुझे फ़ोन करके कहते हैं, मनोज भाई हमने वो सारी चीज़ें डाल ली जो आपने बुआई में बताई थी, हमने NPK का भी इस्तेमाल कर लिया, हम स्प्रे भी रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन मेरा गन्ना, मेरा खेत धान का ऐसा नहीं चल रहा, उसमें कल्ले अच्छे नहीं आए, उसमें जमाव अच्छा नहीं आया, मैं क्या करूं? अब इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि खाद सिर्फ 6 ही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम, और इन खादों का इस्तेमाल सब किसान करते हैं। इसके बाद केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारी फसल को चाहिए और उनका भी सभी किसान स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे रिजल्ट, जैसा किसान को खेत चाहिए वैसा खेत नहीं बन पाता। इसके पीछे क्या कारण है? अगर हमने ये समझ लिया और उसका उपाय हमने सही तरीके से कर दिया तो किसान भाइयों सच मानिए, थोड़े खाद में ही 1 से 2 बैग NPK के साथ थोड़ा बहुत हम यूरिया इस्तेमाल कर लें, 1-2 बैग उसी में ही हमारी जो फसल है वो अच्छी चल जाएगी। कारण ये हो रहा है किसान साथियों कि हमारी मिट्टी को लगातार रासायनिक खादों की, रासायनिक दवाओं की आदत पड़ती जा रही है और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो चुका है। अगर हम खादों के साथ साथ अपनी मिट्टी पे थोड़ा सा काम शुरू कर दें तो किसान भाइयों यकीन मानिए बहुत जल्द हमें बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब इसमें भी कई बातें हैं, किसान कहेंगे कि भाई हम मिट्टी को कैसे जांच कराएं, क्या कमी है हमारी मिट्टी में हमें नहीं पता, और कौन सा ऐसा खाद है या कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो हमें अपनी मिट्टी में लगातार करना है जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रीटमेंट, जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर आपने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आप यकीन मानिए 1 ही साल में आपकी मिट्टी बदलेगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। किसान भाइयों, 2 ट्रीटमेंट मैं आज आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे, जिनका रेगुलर इस्तेमाल अगर आप करना सही से शुरू कर देंगे तो चाहे आपकी मिट्टी की pH वैल्यू बढ़ी हुई हो, चाहे आपकी मिट्टी का कार्बन घटा हुआ हो, आपको चेक भी नहीं कराना, केवल इन चीज़ों का इस्तेमाल कर देना है शुरू, और किसान भाइयों जैसे रिजल्ट आप चाहते हैं वैसे ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूँ जीवामृत की। जीवामृत अपने आप में एक विज्ञान है किसान साथियों। अब इसको तैयार कैसे करना मैं 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, और ज़्यादा ज्ञान आपको लेना है तो किसान साथियों आप YouTube पे सर्च करेंगे कैसे जीवामृत बनाएं, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी, आप इसका विस्तार से ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन 200 लीटर के एक ड्राम में 2 किलो गुड़ डालिए, 1 किलो बेसन डालिए, ऐसी मिट्टी डालिए कहीं से लाके जहाँ पे कभी भी खाद ना डलाओ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप ही खरपतवार उगते हों, जंगल की मिट्टी लाइए किसान भाइयों, और 5 से 10 लीटर गौमूत्र डालिए किसान साथियों इसमें, और इसको सुबह शाम डंडे से हिलाइए, 8 दिन में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा। और 5 बीघे खेत में अगर ये जीवामृत आपने चला दिया पानी के साथ तो किसान साथियों आप यकीन मानिए आपकी मिट्टी बदलना शुरू हो जाएगी, आपकी जो फसल है वो बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाएगी, बहुत ही कम खाद में आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। किसान भाइयों, जीवामृत अपने आप में एक विज्ञान है, इसके ऊपर पता नहीं कितने सारे कृषि वैज्ञानिकों ने शोध करे, इसके अंदर हर वो बैक्टीरिया है जो हमारी मिट्टी को चाहिए, हमारी फसलों को चाहिए। और किसान साथियों आप विश्वास मानिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के सामने सारा विज्ञान भी फेल हो जाता है कभी कभी, आप जैसे ही इसका इस्तेमाल करना अपनी मिट्टी में शुरू करेंगे आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी, कैचवा हो जाएगा। अब एक सवाल और उठता है बहुत सारा किसानों के मन में कि हम तो जी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, हम जीवामृत क्यों चलाएं, या हम वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल करेंगे तो इनके सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सभी प्रकार के बैक्टीरिया भी हैं और भी वो सारे मर जाएंगे। किसान साथियों, जैसा कि मैंने कहा, हमें समन्वय बना के चलना, आप केवल और केवल बुआई के समय पर ही दवा का इस्तेमाल करें, उसके बाद हमारी फसल को दवा की जरूरत होती नहीं है। आप हमेशा स्प्रे में कीटनाशक का इस्तेमाल करें, और किसान साथियों
आपकी मिट्टी बची रहेगी पूर्ण रूप से, और किसान भाइयों एक स्वस्थ मिट्टी में स्वस्थ फसल होगी, आपको ज़्यादा दवाओं की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। अगर आप थोड़ी बहुत दवा स्प्रे में इस्तेमाल करते रहेंगे, कम पैसे में आपका ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे दवाओं के, और हमारा खर्च भी कम होगा। किसान भाइयों हमें ज़मीन में दवा डालने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अब किसान साथियों ले जाने लाने की भी आपके झंझट नहीं करनी, आप अपने ट्वेल पे ही ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पे ये 200 लीटर का ड्राम हर 15 दिन में तैयार होता रहे, और आप अगले अगले खेत में यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट अगले अगले खेत में इसको करना शुरू कर दीजिए। किसान साथियों यकीन मानिए आपको कोई बाजार से माइक्रो न्यूट्रिएंट जमाव की दवाई या ग्रोथ प्रमोटर खरीदने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये थोड़ा सा मेहनत का काम है कि ये सारी चीज़ें एकत्रित करना, इसके एवज में अगर आप चाहें तो वेस्ट डिकम्पोजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर पहले तैयार करा गया था केवल मिट्टी में जो अवशेष हैं, जो फसल अवशेष हैं उनको सड़ाने के लिए, लेकिन किसान साथियों इसके अंदर गाय के गोबर से निकाले गए सारे बैक्टीरिया डाले गए, जिनका रिजल्ट फसलों पे भी बहुत शानदार आने लगा। और 200 लीटर अगर आप 5 बीघे में इसको तैयार करेंगे चला देंगे तो किसान साथियों ऐसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। जीवामृत के अंदर हम जो भी बैक्टीरिया तैयार करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर, वो पहले से ही डाले गए हैं। आप थोड़ा सा वेस्ट डिकम्पोजर का नया कल्चर 200 लीटर के ड्राम में डाल दो, और किसान साथियों 2 किलो गुड़ डाल दो, इसमें और कुछ नहीं डालना। जीवामृत में थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इसमें कुछ नहीं डालना, केवल गुड़ डालना है और ये थोड़ा सा कल्चर डालना। हर बार ये बनता रहेगा, थोड़ा सा इसमें से बचा लो, बार बार मल्टीप्लाई होता रहेगा, सारी जिंदगी आप इसको बना सकते हैं। और किसान भाइयों पौधों में फसलों में देना शुरू करिए, चौड़े पत्ते, हरा कलर, सब कुछ जैसी फसल आप चाहते हैं ऐसी ही फसल आपकी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और किसान साथियों जिन मेरे किसान साथियों के पास अपनी ट्वेल नहीं है, वो किसी भी चीज़ से पानी भरते हो, चाहे नहर का पानी हो या किसी भी जगह का पानी आप अपने खेतों में देते हो, केवल 200 लीटर 5 बीघे खेत में ऐसी व्यवस्था बना लो, या जिस प्रकार से ये ट्रॉली मैंने बनाई हुई है आप ये भी बना सकते हैं, आप जो है इसको चलाना शुरू करिए। किसान साथियों आपकी खेती की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब मैं खुद देखता हूँ किसान भाइयों के DAP की, NPK की, SSP की, पोटैश की, मतलब डिमांड हमारी फसल में जमीन में बढ़ती जा रही है, और उसका रिजल्ट हमें 1-2 साल तक मिलता है, फिर उससे ज़्यादा डिमांड जमीन की आ जाती है, बीमारियां बढ़ती जा रही। मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ किसान साथियों, कई छोटे किसान मैंने ऐसे देखे हैं जो केवल जैविक खाद, केवल कूड़ी के खादों की बहुत आयत करते हैं अपनी मिट्टी में, उनके पास पशु ज़्यादा हैं, और उनकी फसल में किसान भाइयों आप यकीन मानिए बिल्कुल भी रोग नहीं आता, बहुत ही कम स्प्रे वो अपने खेतों में लगाते हैं, जबकि जो बड़े किसान हैं जो जैविक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते उनकी फसलों में ज़्यादा रोग आते हैं, ज़्यादा वो खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान साथियों फिर भी जैसे रिजल्ट हमें मिलने चाहिए वैसे नहीं मिल रहे, आपको रासायनिक और जैविक दोनों का समन्वय बना के चलना है। ये भी नहीं मैं कह रहा कि आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल बंद कर दो, लेकिन ये मैं आपको गारंटी शुदा कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई है किसान साथियों। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं केवल DAP के बैग पे बैग डाल दूं, SSP बहुत ज़्यादा डाल दूं, मेरे पास तो पैसे हैं और मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और मैं सबसे अच्छा गन्ना पैदा कर लूँगा या मैं सबसे अच्छा धान पैदा कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसान साथियों इस सृष्टि में हर जीव की एक खुराक निर्धारित है, मिट्टी भी एक जीवन है किसान भाइयों, ये जीवन को पैदा करती है, इसकी भी एक खुराक है। अगर आप इसको खुराक से ज़्यादा रसायन दोगे तो ये बेकार हो जाएगी, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, जैसा कि आज ज़्यादातर मिट्टी के साथ हो चुका है। और किसान भाइयों एक चीज़ और मैं बताऊँ, मैं थोड़ा सा उदाहरण के साथ और बताने की कोशिश करता हूँ। एक किसान के पास 15-0-23 बहुत तगड़ा खड़ा, 0-118 बहुत तगड़ा गन्ना खड़ा है, 11-0-15 नई वैरायटी बहुत अच्छी खड़ी, लेकिन एक किसान के पास वही वैरायटी पैदा भी नहीं हो रही, वो क्या कहता है कि ये मिट्टी पकड़ नहीं कर रही, मिट्टी पकड़ नहीं कर रही। मेरे भाई उस आपकी मिट्टी में कार्बन कम है, आपकी मिट्टी में जान कम है, बीज में तो पोटेंशियल है, बीज तो रखता है कि मैं 15 फीट 16 फीट तक हो जाऊं, मेरी मोटाई 2.5 इंच 3 इंच तक हो जाए, प्रत्येक गन्ना 3 किलो का हो जाए, लेकिन हम उसको कर नहीं पा रहे। गलती कहीं ना कहीं हमारी है किसान भाइयों, ना बीज की कमी है ना किसी चीज की कमी है, केवल और केवल ये रसायनों की वजह से हो रहा है। किसान साथियों अगर हम बिल्कुल अंधाधुंधी सी पे लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो पैदावार चाहिए वो नहीं मिलेगी, बीमारियां इंसानों में भी और जमीन में भी बढ़ती जाएगी। तो किसान साथियों आप केवल जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करना शुरू करो, 2 किलो गुड़ लगेगा किसान भाइयों, केवल 2 किलो गुड़, और आप
नंबर लगा लो अपने खेतों के, अब इस 5 बीघे में चलाना, अगली बार इसमें चलाना, अगली बार इसमें, और आप देखना कितना जबरदस्त रिजल्ट, कितना जबरदस्त परिवर्तन 1-1.5 साल में ही आपकी मिट्टी में आपको दिखाई देगा। किसान भाइयों, बहुत ही कम बीमारियां आ जाएंगी, बहुत ही कम रसायन में आपको बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे रिजल्ट, जैसी फसल आपको चाहिए मिलना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।